बत्रा में जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 को, 23 को पैदा हुए हो, 5 को, 14 को और 23 को, तो आपको जो है ये सारी प्रिडिक्शंस आपके ऊपर मैच करेंगी कि ये साल आपका कैसे जाने वाला है। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन को जानने के लिए कि अगर आप किसी महीने की 5 को, 14 को और 23 को पैदा हुए हो तो ये साल कैसा जाएगा, तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए इफ यू आर एक्साइटेड। एंड जो जो लोग आज प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो मैं भी ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको बहुत वैल्यू आज इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको ये वाला साल आपका अच्छा जाने वाला है, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। ये साल आपका अच्छा जाने वाला है, किन चीजों से बचना है, कौन सी रेमेडीज करनी है, सारी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि हेल्थ इश्यूज में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज का ध्यान रखना है, रेस्टलेसनेस आपको हो सकती है, उन चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको नर्वस सिस्टम का और स्किन इश्यूज का ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम का ओवरऑल ये अच्छा साल है, बट हेल्थ में इन पार्ट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? और आप इस साल जितना मर्जी अच्छा कर सकते हो करो, ये साल आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे रिस्क ले सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड ईयर फॉर यू एज पर द करियर एंड मनी। करियर और मनी वाइज आपका बहुत अच्छा साल ये जाने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है आप लोगों को, सारे फैमिली मेंबर्स को? बहुत अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में आपको क्या करना है कि आपको ना कमिटमेंट करनी है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाने। अगर आपने किसी को कमिट किया है तो वो कमिटमेंट पे खड़े रहना है, बहुत सारे चेंजेस नहीं करने और हाथ में बहुत सारे टास्क नहीं लेने। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो दिस ईयर एज पर द रिलेशनशिप वाइज, कि आपको अपने माइंड को टिंकर नहीं करते रहना, उस माइंड को वहीं पे रखना है। ओके, ठीक है। इसके अलावा करियर और मनी की बात कर लेते हैं। ये वाला साल आपका करियर मनी वाइज अच्छा है। आपको मेक श्योर करना है आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपका वॉलेट हो गया, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी ग्रीन कलर की हो, तो आपको बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा, बहुत अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपकी ग्रीन कलर चीजों से आप सराउंड करोगे, आपको यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है ग्रीन कलर की चीजों से। इसके साथ साथ ट्यूजडे की रात को आपको हरे मूंग को भिगो के रख देना है और वेडनेसडे को जो है वो डाल देना है बर्ड्स को। सो अगर आप ट्यूजडे की रात को जो है वो अगर कुछ हरा मूंग रख लेते हो और उसको जो है सोक करके अगले दिन जो है वो आप अगर डोनेट कर देते हो, मतलब बर्ड्स को दे देते हो फीडिंग के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्ट होने वाला है, बहुत अच्छा आपको जाने वाला है। इसके साथ साथ आप इस साल हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में ट्रांसजेंडर को कुछ ना कुछ डोनेट करोगे। 5 ग्रीन आइटम आप ट्रांसजेंडर को डोनेट कर सकते हो, जैसे कि कोई कपड़े हो गए ग्रीन कलर के रबड़ बैंड हो गए, ग्रीन कलर का पर्स हो गया, ग्रीन कलर का फ्रूट हो गया, ग्रीन कलर की कॉम हो गई, ग्रीन कलर की कोई भी चीज जो है, साड़ी हो गई, ये सारी आप दे सकते हो। अगर आपको ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर अगर ये ना ले तो आप उसको पैसे भी दे सकते हो, वो भी इस केस में बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन कलर की चीजों से एसोसिएट करना है आपको, आपको जो है वो ट्रांसजेंडर को 5 ग्रीन आइटम्स दे देनी है। इसके अलावा आपको हरे कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, या हरे कलर का डेकोर आसपास हो सकता है, या हरे कलर की चीजें आपके आसपास हो सकती हैं। आपका हेल्थ मैंने बता दिया, ये सारी चीजों में आपको ध्यान रखना है और जितना रिस्क आप ले सकते हो लो, ये साल आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कुत्तों को फीड कराना मत भूलना और कौओं को फीड कराना मत भूलना, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जेनरिक प्रिडिक्शन है, जब हमसे आप पेड प्रिडिक्शन लेते हो तो आपको आपकी रनिंग एज, आपकी करंट एज, आपकी पर्सनल ईयर, आपका पर्सनल डे, आपका पर्सनल मंथ, आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम प्रिडिक्शंस देते हैं। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, लेकिन इसकी दी गई सारी रेमेडीज आपको बहुत काम करने वाली है। तो नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके जुड़ जाइए और आप अपना मोबाइल टोटल भी 5 ला सकते हो। एंड हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वो भी आप इनरोल कर सकते हो, नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।